मैंने जो यंत्र में पार्टिसिपेशन किया था वो 2015 में किया था, जब आई वॉज इन सेकेंड ईयर। तब कॉम्पिटिशन जो यंत्र में हुआ उससे हमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मिला। मतलब मेरा पूरा कॉलेज उसी कॉन्फिडेंस के साथ पूरा हुआ। सेकेंड ईयर उसके नेक्स्ट ईयर हमने यंत्र आइडिया कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, तो वहां पे भी हमारा जो प्रोडक्ट था उसमें भी हमने एक अवार्ड जीता। इस लेवल से ही हम ऑपरेट हो रहे थे कि हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हमारा कॉलेज इतना मतलब वो नहीं है आईआईटी लेवल वाला, बट अगर हम आईआईटी में जाके पूरे इंडिया से रोबोटिक्स कंपटीशन जीत सकते हैं तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ साथ चलते चलते 3-4 साल निकल गए, हमें पता भी नहीं चला कि इसमें से एक्चुअल बिजनेस बन चुका है। अभी मैं जब पीछे देखता हूँ तो मुझे भी अभी कई बार लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल चीजें थी जो हो चुकी है अभी। After e-Yantra in 2017, we registered the company Heaven Solar Energy Private Limited. So before that, we have failed two companies, like Malgadi was there, which we were running in our college, and one of the Dexter Technocrats, which was a home automation solution. And after we tried with this solar energy, and we found the actual problem in the market, we started working on it. In my family, my fathers are basically, we are a farmer. So there is no such huge experience. Those workshops during my journey at E-Yantra IIT Bombay. So if the workshop of Sudhanshu Rai was not there, I might be doing somewhere job in some electronics company. At that workshop, I realized that engineering is not for only for getting good jobs and good marks. With the engineering skills, you can solve thousands of problems. In India, we have a lot of problems, and every problem can be an entire new business. जब मैंने स्टार्ट किया इन 2017, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उनको एक अच्छी जॉब मिल चुकी थी। जब हमारा रेवेन्यू स्टार्ट नहीं हो रहा था एक साल तक, तो वो काफी स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है कि फैमिली को भी कन्विंस करना है, उनको भी एक भरोसा दिलाना है कि इससे हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। वी जस्ट नीड अ टाइम एंड प्रॉपर गाइडेंस एंड वी नीड टू कंटिन्यू वर्क ऑन आर आइडिया। ड्यू टू माई को फाउंडिंग टीम, वी स्टिक टू द आइडिया एंड वी बिलीव इन इट एंड वी कंटिन्यूसली वर्क सिंस लास्ट 5 years ऑन दिस। नाउ एवरीबडी इज वेरी हैप्पी, सब बोलते हैं कि हाँ तुमने अच्छा किया, ये सोलर सोलर लाइन यही फ्यूचर है। बट उस टाइम किसी को नहीं लग रहा था कि इसमें आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने तो फैमिली को बोला था कि जैसे मैंने बीटेक कंप्लीट किया है, अगर मैं मास्टर्स करता तो मुझे और 2 ईयर चाहिए। आप यही समझ लो कि मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ, अगर 2 साल के अंदर हम कुछ नहीं कर पाते तो देन आई विल टेक अ जॉब। उस टाइम पे गुजरात में नई नई सब्सिडी स्टार्ट हो रही थी और लोगों के घर पे हम सोलर लगा के उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 कर सकते थे। उसमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पे, तो हमने अवेयरनेस स्टार्ट किया, कैंपेन्स किए, घर घर जाके लोगों को समझाया कि सोलर से आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं और ये कैसे आपके लिए एक लाइफ टाइम एसेट हो सकता है। देन पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट। वी हैव इंस्टॉल्ड 5,000 सोलर प्रोजेक्ट्स ऑन अ रूफटॉप विद इन 1 ईयर। It was working fine, and then we found the other opportunities. Later came to know that it can be a separate business, entire business. So right now we are providing the 3D design engineering, detailed engineering designs to more than 400 solar EPC companies. कुछ legal issues आए, कुछ NDAs हमने sign किए थे उसमें कुछ breach आए, तो किसी ने हमारे पे case कर दिया, court में file कर दिया, तो उसमें से legal भी सीखा। सब्सिडी के साथ काम करते करते गवर्नमेंट के साथ भी काम करना शुरू किया, तो उसमें बैंक गारंटीज क्या होती है, किस हिसाब से उनको उनके साथ डील करना है, टैक्सेशन सिस्टम्स क्या है, जीएसटी क्या है, वो सारी चीजें, फिर हर एक डिपार्टमेंट का नॉलेज आता गया। अगर किसी को स्टार्टअप करना है और एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आगे बढ़ना है तो उनका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले कुछ चीज बिल्ड कर दिया, कुछ प्रोडक्ट बना दिया, आप वो जाके फिर मार्केट में सेल करने की ट्राई कर ले। बिकॉज आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा होगा बट मार्केट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उस प्रॉब्लम में कोई फिट ही नहीं बैठ रहा है, तो फिर आपका वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। प्रॉब्लम को हम किसी भी तरह से सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल सोल्यूशन हो, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। देन आफ्टर इंजीनियर शुड बिल्ड द प्रोडक्ट, वो एक माइंडसेट होता ही है इंजीनियरिंग। मेरे भी ऐसा ही था, जब मैंने वो बना दिया था मशीन ई मनी ट्रांसफर यूजिंग फिंगर टिप, मैंने वो पहले रिसर्च करना चाहिए था कि
एक्चुअल में किस तरह से वो, तो वो भारत पे ने बना दी क्यू आर कोड वाला। मैंने जो टाइम लगाया वो बिल्ड करने में, वो रास्पबेरी पाई में वगैरह में, वो मुझे मेहनत करना था अलग डायरेक्शन में। और काफी सारे स्टार्टअप्स को तो ये होता है कि 2-3 साल लगातार काम करने के बाद उनको पता चलता था कि ये बनाना ही नहीं था हमें, ये जरूरत ही नहीं है मार्केट। कुछ ना होने के बावजूद भी सबने इतना बिलीव किया अपने सेल्फ में, वो कॉन्फिडेंस जो मिला वहां से वो आज तक मेरे साथ है। और कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये चीजें कैसे होगी, क्या इसमें अगर फंड नहीं मिला तो क्या होगा, टीम मेंबर्स नहीं मिले तो क्या होगा, कस्टमर्स नहीं मिले तो क्या होगा। वो बहुत मायने रखता है कि जब आप छोटी सी एज से स्टार्ट कर रहे हो और आपको ये कॉन्फिडेंस मिल जाता है तो आप सक्सेसफुल हो ही जाते हो।